वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 सीरीज का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। पहले टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने ठोक दिया दोहरा और शतक पारी खेल डाली। भारतीय टीम के तीनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी और बांग्लादेश के गेंदबाजों को इस कदर धोया जिसको देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश के गेंदबाज काफी ज्यादा उछल रहे थे और भारतीय टीम को आउट करने चले थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक शेरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तीनों खतरनाक विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच फर्स्ट टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने ODI मुकाबले में भारतीय टीम को खदेड़ दिया था और दो वनडे मुकाबले लगातार हराए, उस तरीके से हम पहला टी20 का मुकाबला बड़ी आसानी से भारतीय टीम को हरा देंगे। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफी रही। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल पहुंचे। भारतीय टीम को शुरुआती के 3 ओवरों में ही काफी बड़ा झटका लग गया। दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जब पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। यशस्वी जायसवाल 11, शुभमन गिल 4 रन बनाकर के आउट हो गए। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। सूर्या और हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 3 कवर ड्राइव चौके और 2 आसमानी गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। अब बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान खुशी से तो काफी ज्यादा उछल रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम अब 100-150 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी, लेकिन मैदान पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के आने के बाद इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी हुई जिसको देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हैरान रह गए। हार्दिक पांड्या ने 6वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन वही भारतीय टीम को तीसरे बल्लेबाज को लेकर के काफी बड़ा झटका लगा। 12वें ओवर की छठी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब हार्दिक पांड्या यहां पर 92 रन ठोककर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं। रिंकू सिंह वो बल्लेबाज है, वो तूफानी विस्फोटक खतरनाक आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाज जिसने हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और युवराज सिंह का भी 6 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक करके बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। इस बल्लेबाज ने मैदान पर उतरते ही 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश की गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। तो वहीं 16वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 4 छक्के और 2 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 1 कवर ड्राइव की ओर चौका फिर ठोक दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के होश उड़ गए, तो वहीं कोच गौतम गंभीर भी हैरान थे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर। अगर ये दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रीलंका में होते तो श्रीलंका के ODI मुकाबले भारतीय टीम जरूर जीत जाती। रिंकू सिंह ने यहां पर 98 रन ठोक दिए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने दोहरी शतक की पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पहला टी20 का मुकाबला नाम किया। बांग्लादेश की टीम को 200 रनों के भीतर ही ढेर कर दिया था और भारतीय टीम ने पहला टी20 का मुकाबला जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।